अगरबत्ती मशीन में वीडियो स्टिक फंसने का दो तीन कारण है, ठीक है। आपको भी बता देते हैं। पहला कारण है कि आपका ये जो है ना, ये सेंसर का जो है, ये हार्ड नहीं होना चाहिए। ये अगर हार्ड होगा तो यहाँ स्टिक आएगा तो ये ऊपर नहीं उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा, जिस वजह से यहाँ फंस जाएगा स्टिक, ठीक है। दूसरा है कि आपको फिर अगर इसको हार्ड है तो कैसे करेंगे, तो ये स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है ना, इसको लूज करने के लिए यहाँ नट है, ये देख रहे हैं नट, इस नट को और एक इसके ऊपर नट है, ये वाला है ना, इस नट को लूज करना है, और लूज करके इसको नीचे नहीं ऊपर करना है, ऊपर करना है ताकि ये ढीला, अभी आपके सामने ऊपर किए हैं ना, इतना पे था ऊपर किए हैं, ऊपर करना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप इसको देखना है, एकदम हल्का टच कर रहा है इसमें, कर रहा है ना, अगर ज़्यादा टच करेगा तो ये ज़्यादा घिसेगा और यहाँ भी पकड़ लेगा स्टिक को, इसको कंट्रोल करने के लिए ये है आपका बोल्ट, ठीक। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि फीडर में आते हैं तो फीडर में एक ये लगा हुआ है, ये जो बोल्ट देख रहे हैं ना, ये है, इसको अगर हम आगे पीछे करते हैं तो स्टिक जितना बारीक छेद रखे, मतलब ये गैप रखेंगे उतना स्टिक एक एक जाएगा, अगर इसको गैप ज़्यादा कर देंगे तो स्टिक तो पूरा निकल जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है कि एक ये है, इसको भी अगर हम आगे पीछे करेंगे, जैसे ये यूज हम किए हैं अभी आपको दिखाने के लिए, इसको अगर हम इधर कर दें तो स्टिक इसके सामने आएगा नहीं, है ये तो इधर चला गया ना, और तो सामने रखना है बिल्कुल, इसको एकदम सीधा सामने रखना है, इसके फेस में ये होना चाहिए, ठीक है। अगर बाय द वे फिर भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, फंस रहा है, तो अगर हम मशीन सेट करके गए हैं, जैसे अभी हम सेट करके जा रहे हैं, और फिर भी अगर कंप्लेन आया कि दो तीन फंस रहा है, यहाँ से दो आ जा रहा है, जैसे इसको पीछे करके देखना है, यहाँ से दो तो नहीं निकल रहा है, एकदम स्लो चलाना है, चलाना है, दो तो नहीं निकल रहा है, यहाँ से अगर दो निकल रहा होगा तो क्या करना है, इस बोल्ट को लूज करना है इसको, और इसको हल्का, जैसे ये इधर इतना पे अगर है तो हल्का इसको पीछे तरफ खींच लेना है, पीछे तरफ खींच करके फिर इसको ऐसे करके टाइट कर देना है, अब बस चलाएंगे बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। ये दूर दराज के लोगों के लिए है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि स्टिक तोड़ रहा है तो इसको थोड़ा आगे कर देना है, तो आगे पीछे उसको, हाँ, इसको आगे पीछे करके एडजस्ट करना है, ठीक है। बाकी अपना यूट्यूब पे डाल देंगे, देख लीजिएगा।